अगर 2 घंटे के अंदर थाना सस्पेंड होता है और जो आर्थिक मुआवजा हमने परिवार के लिए मांगा है मिल जाता है तो ठीक है। इतना ज्यादा ताबड़तोड़ हमला कराया गया क्या मनोज सिंह है आज अपने बीच के अंदर कौन रहे? जब तक न्याय नहीं होगा तब तक लेंगे नहीं। हाँ वो नहीं, वो SDM साहब को बता दिया है, वो कलेक्टर साहब से बात करेंगे ये संबंध में, वो और क्या कर सकते हैं। सरकार की मेन बॉडीज हैं वो आए और बात सुने, सहमति बनने के बाद में फिर जितने भी हत्यारे हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और फांसी की सजा हो। अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया, कह रहे हैं कि इश्यू है कुछ नहीं, जल्द से जल्द है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे, हमारी टीमें लगी हुई है, बड़ी सक्षम टीमें हमारी। ये इसमें प्रशासन की नाकामी है। हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी में रात के समय मेले के अंदर चारपाई किराए पर देने को व्यवसाय करने आ रहे मनोज सिंह के सागे रात ने इस तरीके की घटना घटित हुई कि मनोज सिंह आज अपने बीच के अंदर कोनी रहा। जो मनोज सिंह ने खत्म करना रहा जितना भी आरोपी है वे अभी तक फरार चला लाग रहा है। और दूसरी बात है मनोज सिंह का परिजन और पोस्टमार्टम वगैरह है वो भी कोनी करवाए और थाने के बारे है धरनों लगा दियो। उत्तर भारत को सब प्रसिद्ध मेलो है गोगा जी महाराज जहरवीर जी गोगा जी महाराज को मेलो भी मेला के अंदर गोगा मेडी का मनोज सिंह नामक एक शख्स चारपाई किराए पर देने को कार्यकर्ता है बैठे और सामने ही एक दुकान और ही टेंट की टेंट के अंदर चारपाई देने को काम करता है। रात ने इसो के होयो बांगे सागे लगभग बहुत सारा लोग है बांगो पर हमलों करियो, बाने मारियो गयो, बाने पीटियो गयो और इतना ज़्यादा ताबड़तोड़ हमला कराया गया कि मनोज सिंह है आज अपने बीच के अंदर कौन रहे। और मनोज सिंह के लगभग साथ में जो 4 जना है वे भी गंभीर घायल है और बात चारों को है भादरा CHC के अंदर यानी कि उप जिला अस्पताल के अंदर इलाज चला लाग रहे है। और अब ये पूरा प्रकरण के अंदर सब बड़ी बात आ है कि मनोज सिंह ये दुनिया के अंदर रहे कौन। मनोज सिंह का परिजन और सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत के नेतृत्व के अंदर ग्रामीण और परिजन और लोग है जो गोगा मेडी थाना के बारे है जो धरनों लगा दिए है और मांग है जब तक आंगी मांगा कोनी मानी जाओगी जब तक है जो मनोज सिंह को है पोस्टमार्टम कोनी करवाई जाओगे। फिलहाल लोगों के अंदर आक्रोश इतो ज़्यादा है और आंगो आक्रोश स्वाभाविक भी है। एक शख्स मेले के अंदर आपकी रोजी रोटी कमाने खातर मेले के अंदर दुकान कर रहा कि ही लोटरी के मार्फत है दुकान खरीदी ताकि 2 रुपया कमाओगा, 2 रुपया कमाओगा तो घर आपका बीवी बच्चा को है जो माता पिता को है पेट भर सकेगा। इसो के होयो इसो के घटित होयो जी की वजह से जो हमलावर है बने बिल्कुल भी रहम को नहीं आयो पीट पीट के है पता कोनी के हथियारों है बांगो पर डंडा या कोई और हथियार है बाऊ मनोज सिंह के ऊपर वार करेगी। और अभी पूरा प्रकरण के अंदर है जो गोगामेडी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा भी लगाया जाने लग रहा है, गोगामेडी थाना ने सस्पेंड करने की बात भी हो ला रही है, गोगामेडी SHO है अजय गिरधर बाने भी है जो सस्पेंड करने की बात हो लग रही है। और इस प्रकरण के अंदर जो पुलिस का जो आला अधिकारी है बांगो ओ कहना है कि गोगामेडी जो SHO अजय गिरधर बांग खिलाफ है जो जाँच भी बिठा दी जाओगी और जाँच के अंदर अगर अजय गिरधर दोषी पाया गया तो अजय गिरधर के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बट पूरा जो गोगामेडी थाना ने सस्पेंड करने की जो मांग करी है ईगो पर के नतीजों निकले या के जांच कमेटी बिठावे या के हुए वे बिग बारे में भी है जो जी कोई निष्कर्ष निकलोगो बिग बारे में भी थाने बताऊंगा। भविष्य के अंदर इसी घटना की कदे भी पुनरावृत्ति ना हुए बी खातर प्रशासन ने चाहिए कानून ने चाहिए कि ऐसा आरोपिया ने तुरंत प्रभाव जल्दी गिरफ्तार करे जावे। तो ये पूरा प्रकरण के अंदर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत को के कहना है वो भी थाने सुनाऊंगा। एक्शन आपको दिख रहा है जो जनता एक्शन लेगी वो शीला जी ले लेगी क्योंकि अभी तो 2 घंटे का हमने टाइम दिया है। अगर 2 घंटे के अंदर थाना सस्पेंड होता है और जो आर्थिक मुआवजा हमने परिवार के लिए मांगा है मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो 4 बजे हम डेड बॉडी यहीं लेकर के बैठेंगे और हमारा ये आंदोलन कब तक चलेगा हम कोई गारंटी नहीं देते। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक लेंगे नहीं। प्रमुख मांगे बताई ना, थाने को सस्पेंड पूरे थाने को और इनको जो परिवार है आर्थिक मुआवजा, क्योंकि परिवार में पीछे कमाने वाला है ही कौन। और जो जितने भी अभी 4 बता रहे हैं नामजद तो 4 तो वो है ही और अदर जितने भी हत्यारे हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और फांसी की सजा हो। प्रशासन से बात चल रही है लेकिन अभी हमारी जो वार्ता है वो विफल हो रही है। अभी हमारे गए हैं जो बड़े हैं वो निर्णय जो भी लेंगे समाज जो निर्णय लेगा हम उनके साथ हैं। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत को के कहनो है वो थाने सुनायो है। बी के अलावा जो बठे और भी लोग बाग हा जो प्रतिनिधित्व करवा लाग रहा बांगो भी है के कहनो है वो भी थाने सुनाऊंगा। मामला मनोज सिंह के परिवार को न्याय दिलाने की बात है जी, सबको विदित है रात को ये घटना घटित हो गई। इसी घटना को लेकर के ये आक्रोश है
इसी संदर्भ में जब तक सरकार और सरकार की मेन बॉडीज हैं वो आए और बात सुने, सहमति बनने के बाद में फिर आगे कुछ हो रहा। प्रथम दौर की वार्ता हुई वो विफल हो गई, उसमें किसी प्रकार का कोई वाजिब बात उन्होंने मानी नहीं। अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया, कह रहे हैं कि इश्यू है कुछ, टीम हमने के बना रखी है और लगा रखी है उनके पीछे, तो पूरा क्या होता है पता नहीं। ये इसमें प्रशासन की नाकामी है, इनकी प्रशासन की नाकामी है, इसीलिए ये घटना हुई है। इसके लिए अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक परिवार का मेन जो वारिस था वो परिवार के बीच में छीन लिया गया। अब बाबा बात करा जो पुलिस का जो अधिकारी है बंग वही पूरा प्रकरण के अंदर के कहना है बंग है जो बयान है बे भी थाने सुनाना चाहूंगा जी। देखो बे के बोला लग रहा है। कल रात्रि की घटना है, तो दो टेंटों में गोगामेडी अभी मेला चल रहा है, दो टेंट लगे हुए हैं वहाँ, तो ये चारपाई को किराए पर देने का व्यवसाय करते थे श्री मनोज सिंह जिनका मर्डर हुआ है। रात को करीब 2 से 3 के बीच में घटना हुई है और मुंजिमान की तलाश के लिए हमारी 6 टीमें रवाना हो रखी हैं और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी परिवारजनों से वार्ता हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं वहाँ। सहमति जो परिवार के लोग हैं और समाज के लोग हैं उनको एक तो कि अभी जल्दी गिरफ्तारी हो, जल्दी गिरफ्तारी होगी और उनके जो भी SDM साहब के सामने ये वार्ता हुई कि भी इनको कम्पनसेशन या जो मिलना चाहिए जो नवी संविदा पे नौकरी होती है तो उसका वो बना करके भेजेंगे, और ये चीजें इसके अंदर विशेष तौर से आई हैं। नहीं जल्द से जल्द है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे, हमारी टीमें लगी हुई है, बड़ी सक्षम टीमें हमारी और सब लोग प्रयास के अंदर है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी जो भी मुलजिम होगा। इसमें यह है कि अगर किसी भी इस मामले के अंदर SHO की अगर कोई नेग्लिजेंसी पाई गई तो इसकी जांच CO से करवाई जा रही है, अगर होगा कोई इसके अंदर तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का अधिकारियों को के कहना है बंगो भी स्पष्ट रूप में थाने सुनायो है और फिलहाल ये पूरा मामला को पोस्टमार्टम है जो मनोज सिंह को कद होगा कद कोनी होगो एक बारे के अंदर है, अभी कुछ भी कोनी कहो जा सके। जो शीला शेखावत और बंगा जो समर्थक है जो गांव का लोग है जो परिजन है बंगो वही कहना है कि जितनी भी 6 टीमें गठित करी गई है तुरंत प्रभावों जल्दी जल्दी आरोपियों ने गिरफ्तार करे जावे। तो ओह पूरा को पूरा मामलो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मान जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन न दबा दो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थर गांव में आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे माना फोन करो संपर्क करो, मैं थारा गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा और आज की वीडियो के प्रति थारी के प्रतिक्रिया है थारा के विचार है विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करियो। अंत तो मने दे इजाजत, जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।